हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहा है। तो किसी ने कमेंट में कहा कि सर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन क्या। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है, कितना है 1500 केजी, कार का द्रव्यमान को एम से सूचित किया जाता है, यानी मास कितना दिया है 1500 केजी, ठीक है। उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होता है प्रति घंटा, माइनस वन लिखा है ना, तो इसका मतलब प्रति घंटा होता है। वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम लोग सूचित करते हैं U से, बराबर कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड, किसमें, मीटर प्रति सेकंड। हम लोग जानते हैं कि एक किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, 30 × 5/18 इसको कटा देंगे, 6 × 18 और 6 × 5 = 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा, ये भी चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इतना से बढ़ा दिया गया, यानी अंतिम वेग भी इक्वल टू व्हाट, तो भी इक्वल टू दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो फिर इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 60 × 5/18 6 × 18 और 6 × 7, यानी ये हो गया 10/50/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो जब बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, जब भी कार्य कहेगा निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो एक प्रमेय है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से किया गया कार्य, यानी W बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला इधर दिखाई दे रहा है, यहां लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv² कितना होता है 1/2 mv². तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कार्य बराबर, यानी वर्क बराबर 1/2 mv² और माइनस 1/2 u² mv², यहाँ
ठीक है, मैंने माइनस क्यों लिखा, तो यहाँ पे लिखा है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा का दो बार फॉर्मूला लिख दिए और इसमें परिवर्तन का मतलब हुआ अंतर, ठीक है। वर्क बराबर एक बटा दो माइनस सॉरी इंटू एम का मान दिया है 1500 अगुना भी का मान कितना दिया है, तो वेग भी कितना निकला है 50 बटा 3 और इसका स्क्वायर का मतलब दो बार इसको लिख देंगे, इसको कटा देंगे 3×5=1500 और इसको कटा देंगे 2×10=2500 हो जाएगा, ठीक है। तो डब्लू बराबर 250×50×50/3, ठीक है। 25 यहाँ कितना होता है, तो 625 और 625 पर 000 बटा में 3 कर देंगे, एक इसका मान निकला किसका, तो ए भी का मान, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला है फिर माइनस 1/2 दिखाई दे रहा है बाबू, 1/2 एम का मान 1500 गुना यू का मान 25/3 इसका होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर है तो 25/3 लिख सकेंगे, ठीक है। इसको कटा देंगे 500, इसको कटा देंगे 250/250, ठीक। तो ये कितना निकल के आएगा, 250×25×25/3, फिर ए भी मान निकल के आएगा 25 का क्यू, 25 का क्यू होता है 15625, इस पे 10/3 इसके अंतर हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्क बराबर 625×000/3, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम 3 हो जाएगा और माइनस 15625×10, ठीक है। और इसको लिख देंगे, अब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, वर्क बराबर इसको घटा देते हैं 62 25 000 और ये है 15 6 2 5 0 10 में से 5 किया 5, ये बचा कितना 9 में से 2 गया 7, 4 में से 6 गया 14 में से 6 गया 8 और ये हुआ 11 में से 5 गया 6 और 5 में से गया 4, यानी 468,750 468,750/3, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, एक मर्त में 3×16 3×5=15 1×3×6=18 उसके बाद 3×2=6 3×5=15 यानी ए हो गया, कट जाएगा 15625×0 156,250 जूल, यानी वर्क का ऐसा ही मात्रक कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है 15,650 जूल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं।